इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं रखूँगा और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो बातें शेयर करने वाला हूँ। पहला, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे रहा रशिया के 30 डेज़ के ट्रिप में, और दूसरा, जो बहुत लोग मेरे से कमेंट करके पूछ रहे हैं, मेरा ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, मैं टोटल कितने खर्च हुए रशिया के 30 डेज़ के ट्रिप में। हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु और अभी मैं हूँ कज़ान में, रशिया की 5th largest सिटी, और आज मेरा लास्ट डे कज़ान में। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं, मेरी 4 बजे की ट्रेन है मॉस्को की, जहाँ पर मेरी पूरी ट्रांस साइबेरियन जर्नी कंप्लीट हो रही है। और ये मेरी 6th ट्रेन रहेगी, 6th ट्रेन है पूरी ट्रांस साइबेरियन जर्नी की। 90% मेरी ट्रांस साइबेरियन जर्नी कम्प्लीट हो चुकी है, बस 10% बची है। लगभग 9000 किलोमीटर का 8000 किलोमीटर जर्नी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी मैं नॉर्मल कज़ान के स्ट्रीट पे वॉक कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारा शहर है, बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है। अभी मेरे पास 4 घंटे ट्रेन के लिए। अभी मैं एक रेस्टोरेंट जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए। सामने ये होटल है तातरस्तान, और जहाँ पर अभी मैं हूँ ये पूरे कज़ान का सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर स्क्वायर, इसका नाम है तुके स्क्वायर। यहीं से बॉमन स्ट्रीट शुरू होती है, जहाँ मैं कल था रात में, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो हम वापस आ गए कज़ान के सबसे मेन स्ट्रीट पे, जिसका नाम है बॉमन स्ट्रीट, जहाँ मैं कल रात में आया था। और मैंने आप लोगों को कल रात में बताया था, ये स्ट्रीट सिर्फ शाम और रात को ही नहीं बल्कि पूरे दिन भी लोगों से भरी रहती है। बहुत ही बढ़िया एम्बियंस यहाँ पे रहता है। पूरे बॉमन स्ट्रीट पे कम से कम 100 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स होंगे। तो मैं कल रात में ऐसे ही यहाँ पर घूम रहा था, तो एक मेरे को बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट मिला। यहाँ पर 90% जो आइटम्स है वेजिटेरियन है। आप देख सकते हो बहुत सारे इसमें स्टफ्स मिल रहे हैं, ये सारे वेजिटेरियन हैं, सब 20-25-30 रूबल के आसपास। बहुत सारे सैलड के ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर छोला मिल रहा है, राइस मिल रहा है, फ्राइड राइस है, सोयाबीन है और कैबेज है। यहाँ पर बॉयल एग्स भी है, सिर्फ 10 रूबल पर एग्स। राइस, सोया, यार मैंने इतने आइटम लिए हैं, 60 का ये मिला है, राइस है और सोया है, और 60 का ये है, 10-10 का एग है, 20 का ये वेजिटेबल कबाब है, और ये कुछ आई डोंट नो क्या इसके अंदर, पोटैटो और ऑनियन भरा हुआ है। 60 का ये पूरा 120 रुपये का खाना। मेरा तो खाने का मन बहुत ज़्यादा था राजमा राइस, लेकिन आज इनके ऑप्शन में है नहीं, कल था, और कल मैंने यहाँ पर छोला राइस खाया था जो कि बहुत टेस्टी था। और मैंने यहाँ का ये ट्रेडिशनल ड्रिंक लिया हुआ है, इसका नाम है मॉर्स। तो ट्रेडिशनल तातार ड्रिंक भी इसको बोल सकते हो, ट्रेडिशनल रशियन ड्रिंक भी उसको बोल सकते हो, ये बेरीज से बना हुआ है। मैं वॉक करके जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, बहुत ही पास है, जस्ट 1 किलोमीटर बाई वॉकिंग यहाँ से। अब हम आ चुके हैं कज़ान वोक्जाल, यानी कि रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। और आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कज़ान में मेट्रो लाइन भी है, और ये मेट्रो पूरे रशिया की सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद की इकलौती मेट्रो है। यानी कि पूरे रशिया में जितने भी मेट्रो लाइंस हैं सब सोवियत यूनियन के टाइम्स की है, पर कज़ान की इकलौती ऐसी मेट्रो है जो कि सोवियत यूनियन के बाद बनी है। हालांकि अभी मेरे ट्रेन को 1 घंटे से ज़्यादा है, बट ट्रेन मेरी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 11 है, और ट्रेन पहले से इसलिए खड़ी क्योंकि ये ट्रेन जो है सिर्फ कज़ान और मॉस्को के बीच चलती है। वैगन वन ट्रेन के अंदर मैं आ चुका हूँ, और इस पर मेरे को लोअर सीट मिली है, क्लास 3 है, यानी कि प्लेट्स कार्ट, 49 नंबर मेरा है नीचे वाला। यहाँ देख सकते हो सीट्स है, सीट नीचे आप ये लगेज अपने स्टोर कर सकते हो, ऑलमोस्ट सारे ट्रेन में होता है इस तरह। फाइनली मेरी ट्रांस साइबेरियन जर्नी की लास्ट ट्रेन है, वर्ल्ड की सबसे लंबी ट्रेन, सबसे लंबी ट्रेन जर्नी की लास्ट ट्रेन है। क्या फील कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील हो रहा आज मेरे को। कज़ान से मॉस्को का डिस्टेंस अराउंड 850 किलोमीटर है, और 14 घंटे की जर्नी है, 4:01 की ट्रेन है, और सुबह 6 बजे ये मॉस्को पहुंच जाएगी। इसकी ट्रेन टिकट मैंने कल बुक की है, ये मेरे पड़ी है ट्रेन टिकट 2100 में।
Hey guys, very good morning. और इस ट्रेन के साथ मैं रशिया की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी मॉस्को पहुंच गया था। ये मेरी ट्रांस साइबेरियन ट्रिप की 6th और लास्ट ट्रेन थी और इस ट्रेन के साथ मेरी पूरी ट्रांस साइबेरियन ट्रिप जर्नी कंप्लीट होती है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी लाइफ की एक और ट्रैवल विशलिस्ट पूरी हो गई है। मेरी वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी की जो विशलिस्ट थी वो कम्प्लीट हो चुकी है। मैं अभी रशिया में नहीं हूँ, मैं अभी अपने नेक्स्ट कंट्री आ चुका हूँ जिसकी जर्नी नेक्स्ट वीडियो से शुरू होगी। और मॉस्को पहुँचने के बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि 2 दिन के बाद मेरी नेक्स्ट कंट्री की फ़्लाइट थी, क्योंकि 1 दिन चला गया हॉस्टल इशू की वजह से, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और लास्ट डे चला गया था PCR टेस्ट की वजह से, जो कि अगली कंट्री जाने के लिए बहुत ही कंपलसरी था। तो इस वीडियो के साथ 9200 किलोमीटर की ट्रेन जर्नी कंप्लीट होती है। मेरे जो फ्रेंड विशाल भाई, हम और वो सेम डे ही मॉस्को पहुंच गए थे लेकिन अलग ट्रेन से पहुंचे थे, तो हम दोनों की टाइमिंग भी अलग थी मॉस्को पहुंचने की। तो हुआ ये कि हम लोग ने ऑलरेडी booking.com से हॉस्टल बुक किया हुआ था मॉस्को के सेंटर में ही। फिर जब हम लोग हॉस्टल पहुंचे, जो हॉस्टल के जो रिसेप्शनिस्ट थे और जो मैनेजर थे, उनको लगा कि हम लोग आज ही रशिया पहुँचे हैं कोई और कंट्री से, तो कुछ कोविड वगैरह का इशू था क्योंकि इस समय मॉस्को और रशिया में कोविड केस काफ़ी हो चुके हैं, तो उन्होंने हम लोगों को एंट्री देने से मना कर दिया। तो जब हम लोगों ने उनको बताया कि हम लोग ऑलरेडी रशिया में 30 दिन से हैं, पूरा 1 महीना कम्प्लीट होने वाला है, ऑलरेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, हम लोगों का जिस रेट पर हम लोगों ने बुक किया था उसका प्राइस डबल कर दिया। तो हम लोगों को ये बात सही नहीं लगी। तो पास में ही 1 किलोमीटर अब एक और हॉस्टल हम लोगों को दिखा, तो हम लोग फिर वहाँ पर गए। हम कहा जो मिल रहा है कर लो यार, टाइम बहुत कम है, बहुत सारे काम बचे हुए हैं। तो हुआ ये, जब हम लोग ने पूरा पेमेंट कर दिया, हॉस्टल चेक इन करने गए, हम लोग ने ये देखा, एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हुआ। वो हॉस्टल ऐसा था कि उस हॉस्टल में कोई और कंट्री के लोग दिख नहीं रहे थे। सारे लोग, सारे जो वहाँ पर जो रुके हुए थे, सारे दागिस्तान के थे, रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान के थे, जो कि एक रिपब्लिक है रशिया में, जो कि रशिया के साउथ में पड़ता है। बहुत ही स्केची, बहुत ही अलग टाइप का हॉस्टल था वो। और हम लोग को एक चीज़ ये अजीब सा लगा, हॉस्टल का जो वॉशरूम था और किचन था वो पूरा एक बंकर के अंदर लोकेटेड था, अंडरग्राउंड था। बहुत ही अजीब सा सिचुएशन थी, बहुत ही अजीब सा लोकेशन था वो, बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। तो हम लोगों ने फिर कुछ वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं करी। हम लोग जब कैमरा लेके वहाँ पे पहुँचे थे तो वहाँ के जो लोग थे अजीब सा रिएक्शन दे रहे थे, पूछ रहे थे कैमरा क्यों है, कैसा है। बहुत ही अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस था, ऐसा एक्सपीरियंस आज तक मेरे को अपने हॉस्टल लाइफ में नहीं मिला। तो एक दिन तो निकल गया हॉस्टल इशू की वजह से ही। फिर अगले दिन हम लोग मॉर्निंग में गए RT-PCR करवाने के लिए। RT-PCR वहाँ पे 2 टाइप का था, एक था विद इन 12 आवर रिपोर्ट देने वाला, दूसरा था आफ्टर 24 या 48 आवर रिपोर्ट देने वाला था। जो विद इन 12 आवर वाला था उसका प्राइस था 2800 रूबल, यानी 2800 रुपये, और जो 24 आवर के बाद रिपोर्ट देने वाला था उसका प्राइस था 2000 रुपये। इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं रखूँगा और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 बातें शेयर करने वाला हूँ। पहला, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे रहा रशिया के 30 डेज के ट्रिप में, और दूसरा, जो बहुत लोग मेरे से कमेंट करके पूछ रहे हैं, मेरा ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, मैं टोटल कितने खर्च हुए रशिया के 30 डेज के ट्रिप में। मैं रशिया टूरिस्ट वीज़ा पे आया था जो कि मैक्सिमम 30 डेज का मिलता है। आप टूरिस्ट वीज़ा पे 30 डेज के ऊपर नहीं रुक सकते हो, तो 30 डेज में सब कुछ सारी सिटीज़ कवर करना और वहाँ रुकना पॉसिबल नहीं है। तो मैं बहुत जगह और जाना चाहता था बट लिमिटेड वीज़ा होने की वजह से जा नहीं पाया। 3 बड़ी सिटी है जो मैं एक्चुअल में जाना चाहता था, जहाँ मेरा बहुत ज़्यादा मन था, मैं जा नहीं पाया। वो 3 सिटी है उलन उदे, क्रास्नोयार्स्क एंड ओम्स्क। और भी बहुत सारी जगह है जो कि मैं इस रशिया के ट्रिप में नहीं जा पाया, और मैं अपनी अगली रशिया के ट्रिप में उन सब जगह को ज़रूर जाऊँगा। मेरा पूरा रशिया का 30 डेज़ का ट्रिप ओवरऑल बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही सक्सेसफुल गया। मैंने 30 डेज में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ही अमेजिंग लोगों से मैं मिला। रशिया में अलग अलग 6 ट्रेन ट्रिप करने के बाद मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे को ऑलरेडी पहले कर लेनी चाहिए थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ नहीं किया। जैसे कि हमारे इंडिया में कोई भी ट्रेन होती है तो वहाँ पर टिकट चेकर अलग होते हैं, जिनको हम लोग TTE बोलते हैं, और जो साफ़ सफाई करने आते हैं वो अलग होते हैं। सबका अपना अलग अलग रोल है, अलग अलग वर्क है, अलग सैलरी है, अलग पोजीशन है, बट रशिया में ऐसा नहीं है। जी हाँ, रशिया में जितनी भी ट्रेन्स होती हैं और हर ट्रेन में जितने भी कोचेस या वैगन्स होते हैं, सब में 2 कोच अटेंडेंट होते हैं, और वही कोच अटेंडेंट A to Z सारा काम करते हैं। वही कोच अटेंडेंट आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, आपका टिकट वेरीफाई करेंगे, वही कोच अटेंडेंट आपको पिलो और ब्लैंकेट देंगे, वही कोच अटेंडेंट पूरा टॉयलेट साफ़ करेंगे, और वही कोच अटेंडेंट पूरी ट्रेन की साफ़ सफाई और डस्टबिन वगैरह साफ़ करेंगे, गार्बेज फेंकेंगे। ऐसा इंडिया में हो सकता है? आप सोचो, क्या इंडिया में एक TTE, जिसको शायद ट्रेन के अंदर सबसे हाईएस्ट लेवल की जॉब मानी जाती है,
क्या वो ब्लैंकेट दे सकता है, क्या वो ट्रेन की साफ़ सफाई कर सकता है, क्या वो टॉयलेट साफ़ कर सकता है इंडिया में? नहीं कर सकता, आई डोंट थिंक सो ऐसा हो सकता है इंडिया में। बट यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे वर्क, सारे जॉब की वैल्यू है और सारे जॉब को यहाँ पे इक्वल माना जाता है। भले सैलरी कम ज़्यादा हो अलग बात है, बट सब की यहाँ पे रिस्पेक्ट है। वही सेम कोच अटेंडेंट सारे काम कर रहा है, छोटे से छोटा काम भी और बड़े से बड़ा काम भी, बिना कोई शर्म के, बिना किसी प्रॉब्लम के, सब कुछ बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ। और अब मैं अपने रशिया के एक्सपीरियंस के ऊपर एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया इसके ऊपर भी कि भाई रशिया में एवरेज सैलरी कितनी है, लोग कमाते कितना है, कैसे वहाँ पे अपनी लाइफ जीते हैं। तो मैं यही बोलूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हो सकता मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो मैंने लोगों से पता किया, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेजर सिटीज़ के बाहर, स्पेशली मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बाहर, रशिया में एवरेज सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। जी हाँ, डायरेक्टली उनकी सैलरी नहीं पूछी, लेकिन मैंने उनसे ये पूछा कि यहाँ पर एवरेज सैलरी कितनी लोगों की, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, लोग 20,000, 25,000, 30,000 महीना कमाते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे एवरेज सैलरी नहीं है। बड़ी सिटीज़ में सैलरी ज़्यादा है ऑफकोर्स, बट आप छोटी सिटीज़ में आओगे तो वहाँ पर इससे ज़्यादा सैलरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रशिया में कैसा है, यहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऊँचा है, काफ़ी ज़्यादा हाई है कम्पेयर टू इंडिया, कम्पेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। यहाँ पर आप जो सर्विसेज हैं बहुत सस्ते में आप यहाँ पे नहीं ले सकते हो। तो आप जब लोगों की यहाँ पे लाइफस्टाइल देखोगे, लोगों को देखोगे ना, तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि इन लोग बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बहुत अच्छी सैलरी है, क्योंकि दिखने में सब एकदम अच्छे दिख रहे हैं, परफेक्ट हैं, अच्छा उनका ग्रूमिंग है, अच्छे से रह रहे हैं। बट एक्चुअल में है ये कि सैलरी और इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक लेवल से नीचे उन लोग खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ थोड़ा महंगा है कम्पेयर टू इंडिया, कम्पेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। और अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल मेरा रशिया में 30 दिन में कितना खर्चा हुआ। मैं रशिया 30 डेज के लिए आया था, एक दिन तो आने में ख़राब हो गया, एक दिन जाने में ख़राब हो गया, तो टोटल मैंने 28 डेज रशिया में ट्रैवल किया। 28 डेज में मेरे टोटल रशिया में खर्च कितने हुए? मैंने सबसे पहला मेरा जो मेजर एक्सपेंस आया वो फ्लाइट का आया, जो कि मॉस्को से व्लादिवोस्तोक का था, वो था 17,000। दूसरा एक्सपेंडिचर टोटल मेरा ट्रेन का कितना खर्च हुआ, मैं टोटल रशिया में टोटल 6 ट्रेन ली और 6 ट्रेन में भी मेरा सेम एक्सपेंस हुआ 17,000। 17,000 फ्लाइट का भी और 17,000 ट्रेन का भी। उसके अलावा मैंने 6 डेज मैं हॉस्टल में रहा रशिया में, 6 डेज के हॉस्टल में मेरा खर्च हुआ लगभग 2,500 रुपये। बाकी जितने दिन बचे मैं अपने होस्ट के यहाँ रहा हूँ, वहाँ मेरे कुछ भी खर्च नहीं हुआ। 28 दिन के खाने में मैंने लगभग 11,000 रुपये खर्च किए, मैं थोड़ा बहुत बाहर खाया और ज़्यादातर अपने से ही बनाया, मैं अपने होस्ट के यहाँ या हॉस्टल के किचन में लाके। और 2,000 रुपये मेरे खर्च हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला के, बस, मिनी बस, मेट्रो हो गई, थोड़े बहुत जो मैंने डे ट्रिप लिया। और इसके अलावा 650 रुपये मेरे सिम कार्ड के लगे, जो कि 30 डेज के लिए अनलिमिटेड था। तो सब कुछ मिला ले टोटल मेरा 30 डेज में अराउंड 50,000 खर्च हुआ, जो कि पर डे अराउंड 1,700 रुपीज़ के आसपास आता है, जो कि ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है एक महीने की ट्रिप 50,000 रुपये में। इसके अलावा मेरे रशिया आने की फ्लाइट में कितना लगे थे वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता ही दिया था। इस पूरे एक्सपेंडिचर का मैं आप लोगों को डिटेल में ब्रेकअप दे देता हूँ, जो आपको अगले साइड में आप लोगों को दिख जाएगा। और हाँ गाइस, मैं अब तक टोटल 33-34 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ और मैंने व्लॉगिंग 25 कंट्रीज ट्रैवल करने की बात शुरू करी है। मैं 2014 से ट्रैवल कर रहा हूँ, यानी कि 7-8 साल हो चुके मेरे को ट्रैवल करते हुए। उस टाइम पे शायद यूट्यूब पे व्लॉग वगैरह हुआ भी नहीं करते थे, मैं तब से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं कि भाई आप इतने कंट्रीज़ गए हो, बाकी कंट्रीज़ की वीडियोज़ कहाँ हैं? तो आप लोगों को बता दूँ, मैं पहले व्लॉगिंग नहीं करता था, मैं 25 कंट्रीज़ ट्रैवल करने के बाद मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है। तो जितने कंट्रीज़ मैंने 25 कंट्रीज़ के बाद ट्रैवल किया है, तो उसके वीडियोस ही आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। मैं ट्रैवल में तो खैर बहुत ज़्यादा पुराना हूँ, बट मैं व्लॉगिंग में और यूट्यूब में अभी भी बहुत ही नया हूँ। ये मेरी 3री व्लॉगिंग ट्रिप है, कैन यू इमेजिन, 3री। और मेरे यूट्यूब पे वीडियो भी बहुत कम है, सिर्फ 78 वीडियोस हैं। तो अभी भी मैं बहुत सारे गलतियाँ करता हूँ, बहुत सारी मिस्टेक मैं करता हूँ, अभी भी मैं अपने गलती और एक्सपीरियंस से सीख रहा हूँ। तो कुछ गलती होती है तो मेरे को माफ़ करिएगा, और आप लोगों का जो सजेशन, जो फीडबैक हो, प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं क्या इम्प्रूवमेंट लाऊं, क्योंकि अभी भी मैं बहुत सारी इम्प्रूवमेंट अपनी गलतियों से सीख के ला रहा हूं, इसको इम्प्रूव कर रहा हूं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और मेरी पूरी रशिया की ट्रिप पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ,
और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं जनरली बोलता नहीं हूँ अपने चैनल पे कि सब्सक्राइब करिए, बहुत ही कम बोलता हूँ शार्ली मैंने बोला हूँ पहले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। कुछ क्वेश्चन हो सजेशन हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है जो कि मेरा नाम है तोरवशु। मेरे को आप इस आईडी से, इस नाम से सर्च करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अपने कुछ पर्सनल क्वेश्चन हो तो मैसेज कर सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम पे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू कंट्री की अमेजिंग जर्नी के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।